तो अभी बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की। अभी मैं आपको गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा, तीन गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा। गेमिंग के साथ साथ भी अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज वगैरह भी करना है, तो आप इन लैपटॉप पे कर सकोगे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर मैं नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पर मैंने रखा लिनोवो की ओर से लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूँ लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 की। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ तो यार ये ना आपको 61,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। 15.6 इंच के साथ आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगी 120 रिफ्रेश रेट के साथ। AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा 5600H के साथ। 6 कोर का ये प्रोसेसर है, 8GB रैम है, 16GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, 512GB आपको SSD मिलेगी, RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिलेगा 1615 4GB के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडो 11 देखने को मिल जाती है, बैकलिट कीबोर्ड के साथ मिलेगा, 5 आवर्स का बैटरी बैकअप, रैपिड चार्जर के साथ मिल जाता है, एंड इसमें भी आपको 720p वेब कैमरा वगैरह देखने को मिल जाता है। तो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, प्राइस रेंज भी मैंने आपको बता दिया कि आपको 61,000 के प्राइस रेंज में अभी अवेलेबल देखने को मिलेगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, या फिर अगर आपको कोरल ड्रॉ पे काम करना, फोटोशॉप यूज़ करना चाहते हो, आप सभी के लिए ये लैपटॉप बहुत अच्छा होने वाला है। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की। तो नंबर टू की बात करूं, नंबर टू पर मैंने रखा है HP की ओर से लैपटॉप। मैं बात करूं HP Pavilion Gaming की, तो यार HP ने ना जो प्राइस रेंज है वो बहुत कम कर दी अपने लैपटॉप का। अगर इस लैपटॉप के प्राइस रेंज की बात करूं तो आपको 54,000 के प्राइस रेंज में ये स्पेसिफिकेशन मिलेंगे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो यार 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले मिलेगी, फुल HD डिस्प्ले है, 16 रिफ्रेश रेट के साथ, Ryzen 5 मिलेगा आपको 5600H के साथ, जो सेम प्रोसेसर आपको लिनोवो में मिल रहा था 61,000 के प्राइस रेंज में, ठीक है। 8GB रैम मिलेगी, 16GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, 512GB आपको SSD मिल जाती है, इसमें भी आपको GTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिलेगा 1615 4GB के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 मिलेगी, बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है, वाईफाई 6 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है HP Pavilion Gaming में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको HP Pavilion Gaming के भी बता दी। ये गेमिंग डिजाइन में देखने को मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड के साथ देखने को मिलता है, एंड ब्लैक कलर में एंड पर्पल कलर में देखने को मिलता है, तो कलर वगैरह भी इसका सच में बहुत अच्छा है। तो अगर आपको इस लैपटॉप की ओर जाना है तो भी आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो, लेकिन मैं एक और आपको HP का लैपटॉप बताने वाला हूँ। नंबर वन पर मैं बात करूँ HP Victus की। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये अगस्त में लॉन्च हुआ था, 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। पहले इसका प्राइस आपको देखने को मिलता था 58,000 या 59,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स ये मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी इसका प्राइस ना आपको 53,000 एंड 54,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स ये लैपटॉप अब भी मिल रहा है। तो अगर आपको गेमिंग लैपटॉप इतने प्राइस रेंज में मिल रहा है तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये ले लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको नंबर वन पर रखा। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं, आपको 16.1 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 16 रिफ्रेश रेट के साथ, Ryzen 5 इसमें भी मिल जाता है 5600H के साथ, 8GB रैम है, 32GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, 512GB आपको SSD मिल जाती है, AMD Radeon RX 5500M आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा 4GB के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 मिल जाएगी, एंड 2019 आपको MS ऑफिस मिल जाता है, Alexa बिल्ट इन मिल जाएगी, पोर्ट्स सभी मिल जाएंगे, बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है, वाईफाई 6 की सपोर्ट मिल जाती है, लार्ज ट्रैक पैड मिलेगा HP Victus में, एंड इसकी कनेक्टिविटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, लाइक वाईफाई 6 की सपोर्ट मिल जाती है, ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.2 देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। कम प्राइस रेंज में अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं एंड नया मॉडल है यार ये। तो मेरी ओर से रिकमेंड आपको ये है, अभी अगर आपको गेमिंग वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो आप HP Victus की ओर ही जाना, अगर आपका बिल 60,000 से कम है। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।